हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 1, जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। आज की डेट है 6 जुलाई 2021, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगा बच्चों हमारा मैप्स, ठीक। चलिए देखते हैं मैप के बारे में हमें क्या बताया गया है। ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, कि भाई हमारे अर्थ के सरफेस की एक ड्राइंग है, ठीक है। और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल, कि भाई ये स्केल के अकॉर्डिंग ये क्या है, चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बट एज इट इज पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कंप्लीटली, देयर फॉर ग्लोब्स आर ऑल्सो यूज, कि भाई हम पूरी तरह से जो क्या है ग्लोब सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए हम मतलब गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है। मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज, कि भाई मैप्स जो है अलग अलग प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, ठीक। आगे लिखा है वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया, कि भाई एक मैप जो है एक छोटे एरिया को बताता है एंड फ्यू फैक्ट्स, और उसके बारे में कुछ तथ्य बताता है। अनदर मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक, कि भाई दूसरे बुक दूसरे मैप भी होते हैं वो हमें अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं, ठीक है, जैसे कि बड़ी किताब हो गई, ठीक। आगे देखते हैं। वेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, जब बहुत सारे मैप हम एक साथ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एटलस मिलता है। एटलस मतलब मानचित्र की पुस्तक होती है, ठीक है। जो मैप की बुक्स होती है उनको एटलस कहा जाता है। एटलस एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज, और ये अलग अलग साइज की हो सकती हैं, ठीक है। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल, और इसके जो माप है वो अलग अलग स्केल से लिए जाते हैं, ठीक। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब, कि भाई मैप्स जो है ग्लोब के कंपैरिजन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। दे और डिफरेंट टाइप्स, और ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, मैप। तो बच्चों यहाँ पर मैप बताए गए हैं, तीन तरह के मैप होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, ठीक। तो वन बाई वन हम देखते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन प्लेट्यूज प्लेन्स रिवर्स ओशंस एट्सेट्रा, कि भाई जो फिजिकल मैप है इन मैप में हम माउंटेंस को शो करते हैं, प्लेट्यूज को शो करते हैं, प्लेन्स रिवर्स और ओशंस, ठीक है, इनको हम शो करते हैं। जिस मैप में हम ये चीज़ें देखते हैं वो मैप क्या कहलाएगा, फिजिकल मैप, ठीक है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल मैप। मैप शोइंग सिटीज टाउन्स विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज और कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स, कि भाई जिस मैप में किसी स्टेट की या किसी कंट्री की या किसी सिटीज़ की बाउंड्री भी दिखाई गई है और सिटीज़ के नेम दिखाए गए हैं, विलेजेस दिखाए गए हैं, टाउन्स दिखाए गए हैं, तो वो मैप कौन सा मैप होगा, पॉलिटिकल मैप होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में बताया गया है सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि भाई ऐसे मैप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखते हैं किसके बारे में, सच एज रोड मैप्स, जिसमें रोड का मैप दिया गया है, रेनफॉल दिया गया है, ठीक है। ऐसे मैप को हम क्या कहेंगे, थीमेटिक मैप कहेंगे। और इन मैप में हम देखते हैं बच्चों फॉरेस्ट भी देखते हैं, इंडस्ट्रीज भी देखते हैं, तो ऐसे मैप को क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप, और इन मैप्स में हमें जो बातें बताई गई हैं वो हम उचित नामांकन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप, हमारे यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स बताए गए हैं मैप से। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा सिंबल, कि भाई इन तीनों के बिना हम मैप को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप,
कि भाई जो पैमाना है ये स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, तो जो स्केल जैसे हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर, कि भाई आप देखते होंगे मैप में कि भाई 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्केल है कि भाई ये बड़ी जगह को छोटे से स्केल में यहाँ पर दिखा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। देर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, और हमारी जो मैप को पढ़ने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने बताया कि भाई 4 डायरेक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अपर साइड ऑफ द मैप, ठीक है, साउथ लोअर साइड ऑफ द मैप, ईस्ट द राइट साइड ऑफ द मैप एंड वेस्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द मैप। ठीक है, तो ये इस तरह से मैप की जो डायरेक्शन बताई गई है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जब भी हम मैप को पढ़ते हैं तो नॉर्थ ऊपर आना चाहिए, तभी हमारा मैप सीधा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, और इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये क्या है बच्चों, जो हमारी मेन डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शंस के बीच की जो डायरेक्शंस होती है उनको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहा जाता है। जैसे कि भाई ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगी वो होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट नॉर्थ, इस दोनों के बीच की वेस्ट साउथ, इन दोनों के बीच की ईस्ट या साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरह के बीच की इनके डायरेक्शन को इंटरमीडिएट डायरेक्शन इनको कहा जाता है। तो इस तरह से टोटल जो डायरेक्शंस हो गई हमारी कितनी हो गई, 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप इज सिंबल्स, कि भाई तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है सिंबल। सिंबल के बिना हमें नहीं पता चलेगा कि भाई ये मैप कौन सा है। ठीक, देखते बच्चों क्या लिखा है। देर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग टू यूज दीज सिंबल्स, और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी है इन प्रतीकों को यूज करने के लिए। ठीक, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, और इन प्रतीक को कहा जाता है रूढ़ प्रतीक। ठीक, वेरियस कलर्स आर यूज ऑन मैप, और मैप पर क्या है, अलग अलग तरह के कलर यूज कर सकते हैं। जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, कि भाई जो ब्लू कलर है वो पानी को दिखाता है। ब्राउन फॉर माउंटेन, और जो ब्राउन कलर है वो माउंटेन्स को बताता है। येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर को भी हम यूज करते हैं अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, ये कंपास दिया गया है, इसमें हमें डायरेक्शन पता होती है, पता चलती है कि भाई नॉर्थ और साउथ की। ठीक, और उसी से हम दिशा का पता लगाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन आर विच टाइप ऑफ मैप्स। अभी हमने ऊपर देखा जिस मैप में रेन को शो किया जाता है वो मैप क्या कहलाते हैं, वो मैप क्या होते हैं बच्चों, थीमेटिक मैप। ठीक है, चलिए आपको यहाँ से आंसर फिर यहाँ पे करना है। सेकंड देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स आर विच टाइप ऑफ मैप्स। जिस मैप में रिवर बताई गई है वो कौन सा मैप होता है बच्चों, देखते हैं ऊपर। रिवर्स कहाँ पे बताई गई है, रिवर्स बताई गई है सबसे ऊपर फिजिकल मैप में। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मैप्स शोज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। जिस मैप में कंट्रीज दी गई हैं उनकी बाउंड्री के साथ में, तो वो मैप कौन सा होता है, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैप, कि भाई मैप से आप क्या समझते हैं। व्हाई डू यू प्रेफर ग्लोब कंपेयर टू मैप व्हाइल शोइंग द एक्यूरेट अर्थ, कि भाई आप मैप से क्या समझते हैं और ग्लोब आपको क्यों ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए मैप से। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर हमें ऊपर लिखा है, तो ये आंसर हम यहाँ से लिखेंगे बच्चों। मैप इज़ ए प्रेजेंटेशन ऑफ और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, कि हम यहाँ से इसका आंसर यहाँ से शो करेंगे। ठीक है, और ये जो ग्लोब है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हमें एक्चुअल जो इमेज है रियलिटी का हमें पता चलता है अर्थ की। ठीक है, तो इसलिए ग्लोब इज़ बेटर देन मैप्स। ठीक है, तो हम इसका आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताया गया है, शो विद नेम
द मेजर डायरेक्शन ऑन द आउटलाइंस, कि भाई ये आउटलाइंस के हमें मेजर डायरेक्शंस के नेम लिखने हैं। तो हमने अभी ऊपर देखा था, ये वाली साइड होती है राइट साइड होती है ईस्ट, ठीक है, और लेफ्ट साइड होती है वेस्ट, और अपर साइड होती है नॉर्थ, और लोअर साइड होती है साउथ। तो हमें इसके आंसर यहाँ से फिल करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।